वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रणाली राजखनाल और मैं क्रिएट कर रही हूँ नया मेरा चैनल हैप्पीनेस विद प्रणु। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा मेरा चैनल। मैं अपने चैनल पे पहला इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कौन हूँ और मैं ये वीडियोज क्यों बना रही हूँ और आप मेरे वीडियो क्यों देखें, ये पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने अपना नाम बताया, प्रणाली नाम मेरा, प्रणाली राजखनाल, और मैं बेसिकली महाराष्ट्रीयन लड़की हूँ और मैं नासिक से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हम मुंबई में रहते हैं 10-12 साल हो गए मेरी फैमिली मुंबई में रहती है और अभी मेरी शादी हो चुकी है। सो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ थाईलैंड में और मैं अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने डेली रूटीन, ब्लॉग्स और कुछ रेसिपीज, कुछ DIY, और मैं जितना थाईलैंड घूमूंगी वो सब मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो मेरे चैनल पे आपको देखने के मिलेगा थाईलैंड। मैं अपने वीडियो से आपको थाईलैंड घुमाऊंगी, जैसे कि मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी मैं वहाँ पे ब्लॉग्स बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी मेरे वीडियोस ब्लॉग देखें और आप अपने घर में बैठे बैठे थाईलैंड घूम लें। जैसे मैंने कहा मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ, तो मैं अपने कुछ महाराष्ट्रियन डिश आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरे हस्बैंड भी एज शेफ है, तो पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, बीच में भी आ गए उनका नाम। तो उनका नाम राज खनाल है और उन्होंने मुंबई में 8-10 साल जॉब किया है एज अ शेफ, और वो एक दो कंट्रीज में भी जाकर आए, जॉब कर आए, और अभी वो हम लोग थाईलैंड में है तो वो यहाँ पे भी शेफ पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो उनको थाई, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, यूरोपियन और क्या रहते मतलब हर तरह की वो डिश बना सकते। तो वो उनका भी एक चैनल यूट्यूब पे डिलीशियस रेसिपीज विद प्रणुराज, तो आप वो जरूर शेयर कीजिए। उनके चैनल पे आपको डेली एक रेसिपी मिलेगी और वो हर तरह की रेसिपी बनाते हैं और बहुत यम्मी और टेस्टी रहती है, तो आपको वो सब वहाँ पे मिलेगा उनके चैनल पे। तो मैं कुछ उनकी भी डिशेस मेरे चैनल पे कभी कभी शेयर करूँगी चुपके से वीडियो बना के, अगर कुछ दे पाए तो मैं आपको जरूर मेरे चैनल पे दूंगी, नहीं तो आप वो चैनल पे देख सकते और आपको मेरे चैनल पे रेसिपी मिलेगी, ये सब मिलेगा। और बाकी कुछ नहीं, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना स्टार्ट कुछ अच्छे से कर। और जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले वुमेंस डे गया है, तो सारे लेडीज को, सारे रिस्पेक्टेड वुमेंस को हैप्पी वुमेंस डे, और हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबने लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन एक लेडीज ने भी दूसरी लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब हम है आज ये दुनिया में, इसीलिए ये दुनिया है ऐसा मुझे लगता है। सो हमें भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आई होप आप लोगों को मेरा बात करने का तरीका पसंद आएगा, मेरे वीडियोस पसंद आएंगे, मेरे ब्लॉग्स पसंद आएंगे, मेरी रेसिपीज पसंद आएंगी और मेरे कुछ टिप्स जैसे मैंने बोला DIY वगैरह, ये भी अगर आपको पसंद आएंगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर मैं कहीं पे गलत करूँ कुछ तो आप मुझे ज़रूर बताना कि हाँ मैंने ये गलत किया है या मैं यहाँ पे गलत जा रही हूँ, या मैं अगर कुछ भी, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, मैं प्रॉपर ऐसी हूँ नहीं ना कि चलो मैं कैमरे के सामने से बैठती थी, तो ऐसा नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ, कैमरे के सामने में आ रही हूँ, आज तक कभी मैंने कैमरा फेस नहीं किया है तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो भी जाए तो आप लोग उसे इग्नोर करके मुझे समझाइए एज अ बड़ी बहन, छोटी बहन, मम्मा, जो भी समझ के हो, लेकिन आप लोग मुझे समझाइए कि हाँ मैं यहाँ पे ये गलत कर रही हूँ और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं वो सुधारूँ और मैं आप लोगों को जो भी दे पाऊँ मैं सब अच्छा दे पाऊँ, आप लोगों को मैं हैप्पी कर पाऊँ, सब अच्छा अपने वीडियोज में मैं आपके साथ शेयर करूँ और मेरे लाइफ के ऐसे कुछ बातें मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। अभी मैं थाईलैंड में हूँ जैसे मैंने कहा, तो मैं ये ब्लॉग्स क्यों बना रही हूँ अभी ये भी मुझे आपको बताना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना अकेली रहती हूँ, मतलब दिन भर जैसे कि रात जॉब पे जाते फिर मैं दिन भर बोर होती हूँ। यहाँ पे पहले एक महाराष्ट्रियन फैमिली थी लेकिन अभी वो नहीं है, वो इंडिया चले गए, तो मैं अभी यहाँ पे बहुत बोर हो जाती हूँ, अकेली रहती हूँ, कुछ जॉब भी नहीं मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे हम मुंबई में रहते थे तो कैसे हम एक दूसरे से बात करते थे, यहाँ पे मैं किसी को ज़्यादा पहचानती नहीं हूँ, तो मैं कहीं अकेली जाती भी नहीं हूँ और ना मैं ज़्यादा किसी से बात करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी के साथ कंफर्टेबल हूँ तो मैं उन लोगों के साथ अच्छे से बात कर सकती हूँ, अगर मैं किसी से मतलब कोई नया है मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं बात नहीं करती जल्दी से किसी से। तो मैं यहाँ पे अकेली थी तो मैं अभी तक यही करती थी, मतलब जब तक वो इंडियन फैमिली वाले थे तो मैं उनके साथ बात करती थी, लेकिन वो चले गए फिर मैं और ही ज़्यादा बोर होने लगी।
तो और मेरे पास जॉब भी नहीं था, तो मैं यूट्यूब पे ऐसे ब्लॉग देखती थी बहुत सारे, मतलब मैं यूट्यूबर्स के ब्लॉग देखती हूँ तो कुछ कुछ मेरे फेवरेट से, और मैंने देखा तो वो ब्लॉग्स करना मुझे इससे थोड़ा ईजी लगा कि अच्छा काम है, हम मतलब हम अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करेंगे और मतलब जैसे आपका फीडबैक आएगा, एक ऐसे फैमिली की जैसे फील आएगा। तो मैंने जब मैं आपके लिए बोर हो रही हूँ तो मैं भी ब्लॉग्स कर सकती हूँ, मतलब जो वो लोग कर रहे वो अगर मैं कर सकती हूँ कि नहीं, पहले मैंने इस बारे में सोचा कि मेरे पास आपके लिए आपको देने के लिए क्या कंटेंट रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं थाईलैंड घूमती हूँ तो मैं आपके साथ वो शेयर कर सकती हूँ, थाईलैंड घुमा सकती हूँ आपको। ब्यूटी टिप्स की बात करूँ तो मैं जब स्कूल और कॉलेज में थी तभी मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स। तो मैंने वो क्या उसके बाद मैंने जॉब भी नहीं किया और ना मैंने वो पार्लर का क्लास कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस की, लेकिन हाँ मैंने क्लास किया है तो मुझे उस बारे में पता है कोर्स के बारे में कि वो ब्यूटी के बारे में। मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकती हूँ थोड़ी बहुत, बहुत कुछ नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं शेयर कर ही सकती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और जैसे कि राज के पास टैलेंट है रेसिपीज का, तो अगर मैं उन वो आपके साथ शेयर करूंगी तो शायद आपको उससे भी कुछ हेल्प हो जाए कि उनकी रेसिपीज आप ट्राई करो और आप लोगों को पसंद आ जाए। मेरे कुछ ब्यूटी टिप्स अगर आप लोगों को पसंद आए तो वो एक अच्छा रहेगा। और जैसे मैं थाईलैंड घूमूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से थाईलैंड घूम लेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है मेरे पास ये दो तीन कंटेंट तो है और मैं व्लॉग्स बनाऊंगी, मैं क्या करती हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आप लोगों को पसंद आएगा ऐसा। और मैं जॉब कर सकती थी यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन एक ऐसा रीजन है कि मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ अभी फिलहाल, तो मैं उसका वो रीजन आपको धीरे धीरे बताऊंगी और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा वो रीजन सुनने के बाद, आप लोग बहुत खुश भी हो जाएंगे। तो अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन है तो इसलिए मैंने सोचा कि फर्स्ट वीडियो में ये सब बातें ना हो तो इसलिए, लेकिन जैसे जैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे मैं अपनी लाइफ के बारे में आपके साथ सारी बातें शेयर करूंगी और मैं क्यों जॉब नहीं कर सकती ये रीजन तो मैं आपके साथ जरूर ही शेयर करूंगी। तो आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ मीठा हो जाए, तो मैं आज फर्स्ट व्लॉग मेरे इंट्रोडक्शन व्लॉग में या वीडियो में कुछ मीठा बनाऊंगी, सेवई की खीर। मतलब जैसे मैं बनाती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी, अभी हर एक का तरीका अलग होगा, ऐसा नहीं कि सबका एक ही होगा, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ मतलब किसी हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में से बोले कि किसी भी काम की अगर शुरुआत करो तो कुछ मीठे से करो। तो अगर मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं फर्स्ट टाइम कुछ कर रही हूँ तो कुछ मीठे से शुरुआत होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आज बनाऊंगी सेवई की खीर। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी मेरी खीर, और अगर आप लोगों को पसंद आ गई तो मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भी करना। अगर मैं गलत जाऊँ तो भी मुझे बताना कि रानी तुमने सॉरी प्रणाली तुमने ये गलत किया। अभी मैं बताती हूँ रानी मैंने क्यों बोला। एक्चुअली मैं मुझे बचपन से घर में निकनेम रानी है, तो मुझे घर में सब लोग रानी ही बोलते हैं, जैसे कि मतलब अभी मेरे आजू बाजू वाले पहचान वाले भी मुझे रानी ही बोलने लगे, तो इसलिए मेरे मुंह से फटक से रानी नाम निकला। तो मेरे घर में मुझे रानी बोलते हैं, जैसे शादी के बाद भी मुझे रानी ही बोलते हैं, अभी शादी से पहले भी रानी ही बोलते थे और अभी जितने आजू बाजू वाले पहचान वाले लोग हैं वो भी मुझे रानी ही बोलते हैं, तो इसलिए मेरे मुंह से रानी नाम आया। और आप आगे भी अगर वीडियोज में कभी मेरे हस्बैंड भी आए ब्लॉग्स में और कभी ब्लॉग जैसा चलता रहा आप लोगों को सुनाई दे रहा तो आपको उसमें भी रानी नाम ही सुनाई देगा ज्यादा। प्रणाली नाम मतलब मेरा स्कूल कॉलेज इस सब में रहा, प्रोफेशनली नाम रहा बस प्रणाली, सो आपको इसलिए मेरे नाम भी हैप्पीनेस विद प्रणु दिया है। रानी अच्छा नहीं लगता देने के लिए, मतलब ऐसा वो निकनेम है मेरा तो इसलिए मैंने वो नहीं दिया, तो मुझे रानी नाम से सब जानते। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर रेसिपी, स्वीट रेसिपी। यहाँ पे बना रही हूँ खीर, उसके लिए मैंने पैन रख दिया है। इसको मैं अभी करूंगी फास्ट, मैं खीर बहुत ही थोड़ी बना रही हूँ क्योंकि मैंने बोला जैसे हमारा रेसिपी का चैनल है तो फिर उसके लिए ना हमारे घर पे डेली कुछ ना कुछ रेसिपी बनती रहती, डेली मतलब हफ्ते में 4-5 बार तो बनती है, तो वो रेसिपीज हमें मतलब वो सब जो भी खाना बनता है वो ख़त्म करना पड़ता है, फिर स्वीट हो कुछ भी हो, तो इसलिए मैं इसमें खीर बहुत थोड़ी बना रही हूँ ताकि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए इसीलिए। तो अभी आप मेरी रेसिपी एंजॉय कीजिए, देखिए।
बन चुकी है और ये देखिए मैंने बनाई है शेवई की खीर। मैं बाद में थोड़ा फोटो डालती हूँ, अभी दिख नहीं रहा ठीक से, तो इसीलिए। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छा सा कंटेंट लेकर। और मैं अपने दूसरे चैनल के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो है डिलीशियस रेसिपी विद प्रणुराज जी, उसकी लिंक मैं अपने अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस पर जाके वो चैनल ओपन कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उस चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी डिशेस मिलेंगी राज की। अभी वो चैनल भी चालू किया है तो धीरे धीरे और ज़्यादा मिलेंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। और अगर कुछ गलत रहा होगा, आपको कुछ भी गलत लग रहा होगा तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं वो सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर मैंने कुछ गलत किया होगा या कुछ गलत बोला होगा गलती से, या कुछ बातें रिटर्न भी बोली होगी तो भी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ थोड़ा आप इग्नोर कीजिए और थोड़ा मुझे संभाल लीजिए और थोड़ा आगे बढ़ने के लिए मुझे पुश कीजिए आप। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।